जब जुल्म की ज़बाँ से जब जुल्म की ज़बाँ से जब जुल्म की ज़बाँ से ज़बाँ से जब जुल्म की ज़बाँ से हमारा में बोलता है पीछे वाले भी शरीफ हो जाएंगे कि जब जुल्म की ज़बाँ से शरीयत की है जिंदगी जिसने बसर हस्बे शरीयत की है हमें दुनिया है ना उसे फिक्र कयामत की है और उनको दुनिया की किताबों की जरूरत क्या है जिसने सरकार के चेहरे की तिलावत की है जरूरत किया है मियां जिसने सरकार के चेहरे की तिलावत की है। और अब ये लखनवी मिजाज का शेर सुनिएगा हजरत के चेहरे को देखते हुए कि चार के होते हुए एक का जो होके रहे चार के होते हुए भाई अकबर साहब हार के मुशायरा मिल गया है पावरफुल है इधर अरमान भाई और पता नहीं कितने भाइयों में सबका नाम नहीं जानता शेर लखनऊ पहुंचाइएगा हजरत के हवाले से कि चार के होते हुए एक का जो होके रहे उसने तो दीन के नाम पे बस सियासत की है उसने तो दीन के नाम पे बस सियासत की है। और अलामत मुआयदा कीजिएगा जब कभी मुहर्रम के महीने में लखनऊ जाना हो तो उसके सीने पे है निशान और मेरी पेशानी पर उसके सीने पे है निशान उसके सीने पे है निशान और मेरी पेशानी पर ये खुदा जानता है कि किसने इबादत की है ये खुदा जानता है कि किसने इबादत की है। और शेरी जाविया में ये शेर भी सुनिएगा कि हम है मकड़ी की तरह चाहने वाले बेखुद हम है मकड़ी की तरह चाहने वाले बेखुद तुमने गिरगिट की तरह सिर्फ शरारत की है तुमने गिरगिट की तरह सिर्फ शरारत की है उसको दुनिया के किताबों की जरूरत क्या है मियां जिसने सरकार के चेहरे की तिलावत की है। आइए इस तिलावत को और आगे बढ़ाया जाए फिर एक बार नज़मी अंदाज में मुतरन्निम आवाज का मालिक और शहसवार तरन्नुम मुजीद तरन्नुम जिनका खिताब है मेरी मुराद जनाब हजरत दिल खैराबादी है एक बार फिर उन्हें सुन लिया जाए एक वादा जनाब दिल खैराबादी साहब को मैं उस वक्त तक माइक नहीं पकड़ने दूंगा। सच्ची बात अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लखनऊ रह करके लखनऊ की तहजीब भी अच्छी तरह आती है और वहां की अकड़ भी अच्छी तरह आती है। एक वादा आपसे लेना है कि हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब दामद बरकातहू अलिया तशरीफ रखते हैं कोई एक बंदा टच से मस ना हो पाले वादा करो हाथ उठा के इंशाअल्लाह अब बिना किसी ताखीर के माइक जनाब दिल खैराबादी के हवाले माशाल्लाह हजरात हकीकत में सुनाने वाला जो भी है यहाँ पे वो सोच रहा है कि जल्दी से मेरी बारी आ जाए इसलिए कि सुनने का सलीका जो है अगर पूरी दुनिया को सीखना हो तो वो महलवाणी में आ जाए। यहाँ अल्लाह ताला से यही दुआ है ये कौम नई नस्ल जो है इस पे आमादा हो जाए कि जैसे हम सुन रहे हैं काश के इसका 1% अगर हम अमल कर ले तो खुदा की कसम 100 जलसे पर 1 जलसा भारी हो सकता है। मैं आपसे बहुत मोहतरमाना दरखास्त करूंगा ख्वाहिश की बात जहां तक है एक नज्म मैं निकाल के रखा हूँ वो मस्जिद के ताल्लुक से है वो नज्म का मुखड़ा पढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा जैसा कि मुफ्ती मारूफ राही साहब ने आपसे वादा लिया है कि कोई शख्स उठ करके जाए ना हर जलसे में अक्सर यही होता है कि वादे में हम हाथ उठा लेते हैं और हम खुद ही गायब हो जाते हैं तो मैं तो
इस वादे पे हाथ नहीं उठाया हूँ, मैं जा सकता हूँ इसलिए कि भूखा प्यासा हूँ, मुझको इजाजत है। और माइक आप इधर साहब, माइक आपका खुदा की कसम पूरे इलाके में आता हूँ, इससे अच्छा भी माइक नहीं मिला है। मुबारकबाद के मुस्तहिक है, यहाँ की एक एक फर्द को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी हजरत मुजम्मिल साहब, कारी मुजम्मिल साहब दावत बरकातहुम ने बहुत ही अछूते अंदाज में आप तमामी हजरात को अशआर सुना रहे थे। एक एक गुलाम मुस्तफा का ईमान ताजा हो रहा था। क्यों ना ताजा हो कि यहाँ पे वो अजीम शख्सियत आबरूए जलसा लखनऊ की सरजमीन से निकलकर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी अपनी इल्मी सलाहियत का लोहा मनवाने वाली अजीम शख्सियत, मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना कफील अशरफ साहब अजहरी दामत बरकातहुम तशरीफ फरमा हो। और ये इंशाअल्लाह ये खूबसूरत माहौल, एक एक शख्स का ईमान का थर्मामीटर इस वक्त बहुत बुलंद है। अल्लाह कबूल फरमाए, थोड़ा सा और इसमें मोहब्बत डाल दीजिए। मैं एक मिसरा पेश करना चाहता हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि आप जो बैठे हैं यहाँ पे, आपके बैठने पर दिल खैराबादी एक मतलब यहीं से आगाज करना चाहता है। ये कमेटी वाले ये दो चार 25-50 लोग हैं जो हाँ में हाँ मिला रहे हैं, थोड़ा सा आपसे गुजारिश करूंगा, इस मतले में शरीक हो जाए। इंशाल्लाह शेर जो पढ़ूंगा, मनकबत के जो आएंगे, अशार नज्म के आएंगे, इंशाल्लाह एक एक हाथ हवा में लहराएगा, मगर इस पे आप खामोश रहिएगा तो मेरा दिल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। हजरत बंगाली जादू कर हजरत कारी शमशाद राही साहब पेश करता हूँ समाज हो। किस सरदार ने इसमें न मुजम्मिल का कोई कमाल, न दिल खैराबादी का, न मारूफ राही का, सुनने का कसम खुदा की सही माने में इसे ही सुनते हैं। बहुत शुक्रिया, मुलाहजा फरमाए। अब देखिए धीरे धीरे मैं भी इंशाअल्लाह उस उम्र तक पहुंचूंगा, मेरी उम्र पीछे जाएगी, अभी आप याद देंगे तो के सरवरे 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 दो आलम के, सरवरे दो आलम के, सरवरे दो आलम के, सरवरे दो आलम के, सरवरी निराली है, सरवरे दो बैठे फरमाइएगा, ये आप बैठे हैं पुराना फरमान के, सरवरे दो आलम के, सरवरे दो आलम के, सरवरी निराली है, सरवरे दो आलम के, सरवरी निराली है, सरवरे दो आलम के, सरवरे दो आलम के, सरवरी निराली है, सरवरी निराली बैठ के, बैठ के चटाई पर सल्तनत संभाली पर सल्तनत संभाली है, बैठ के चटाई पर। मैं तो सोच रहा हूँ हो सकता है कि मुजम्मिल साहब के लिए बालू भाई साहब खड़े हो गए थे, थोड़ी अच्छे आप है, चले दाहिना बाजू मजबूत है, समझ में आएगी आपको इंशाअल्लाह। इसके बाद जब से मुलाहजा फरमाया कि सर बरे दो बाप के, सर बरी निराली है, अभी मैं आपको कहूंगा देखिएगा, कि सर बरे दो बाप के, सर बरी निराली है, बैठ के चटाई पर सल्तनत संभाली है, सल्तनत संभाली है, उसने मेरा हाथ करता हूँ राजा फरमाए कि बंदगी की दुनिया, थोड़ा सा जुड़ जाइएगा, तहर जलाने का तलबा से आया हुआ
के नाजिम जलसा शरीफ करता हूँ अपने छोटे भाई को कि बंदगी की दुनिया में दोनों बंदगी की दुनिया में दोनों मेरे सारे हैं बंदगी की दुनिया में दोनों मेरे सारे हैं बंदगी की दुनिया में बंदगी की दुनिया में दोनों मेरे सारे हैं पर्दे का मुजाहरा करते हुए कर्नाटक की सरजमीन से मुस्कान खान ने पूरे उम्र मोहम्मदिया के हवाले से पूरे ईमान वालों के हवाले से उन्होंने ललकारा है दिल खैराबादी उसी ललकार में और ललकार का इजाफा करने के लिए मतला पेश करता है शरीक हो जाए कितने लोग हाथ उठाए दाद देंगे वो हाथ देंगे वो हाथ उठाए जो दाद ना देंगे वो खामोश पेश करता हूँ उन्होंने बात किया कि जब जब जुल्म की कोशिश कर रहा होगा ये मर्द को मर्दों का मजमा है ये मर्द तमाम मर्दों की नजर से कर रहा है कि कीड़ की जिंदगी से कि ईमान बोलता है कीड़ कीड़ की जिंदगी से शेरों की मौत बोलता है
गए मैं तो हुजूर ये देखूं सुल्तान को बुला रहा है मस्जिद का चल